यस हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जांपल नंबर 9.4, और ये क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। सो एक फोर्स है यहाँ पर, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। फोर्स कितनी है यहाँ पर, 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, यानी मास कितना दिया हुआ है, m1, एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके अंदर, मास m1 के अंदर, ये दिया हुआ है। एंड मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यही फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है अब कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस मास में, इन m2। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ये एक फोर्स है 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि एक ही फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन m1, और वही फोर्स है, वो एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन मास m2। यानी दोनों मासेस में अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है सेम फोर्स। क्वेश्चन क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं, वट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। ये कह रहा है अगर दोनों मासेस को एक साथ टाई कर दिया, एक साथ बांध दिया, तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो पहले हम एक काम करते हैं, मास निकाल लेते हैं अलग अलग, जैसे फॉर्मूला होता है। यानी ये क्या कह रहा है, एक यहाँ पर मास है m1, इसमें एक फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, और यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास है यहाँ पर m1। तो एक काम करते हैं, m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू m1 इंटू a1। अब मैंने m1 a1 क्यों लिया, क्योंकि अलग अलग है। तो फोर्स कितनी है 5, m1 हमें निकालना है और a1 है 10। तो m1 कितना आ गया यहाँ पर, 5/10, ये आ गया 0.5 kg, 0.5 kg। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरे में क्या दिया हुआ है, सेम फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, तो अगेन यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू, बट मास यहाँ पे अलग अलग है, मास है m2, तो अब लेंगे यहाँ पर m2। अब लिखते हैं m2 इंटू a2। फोर्स कितना है अब यहाँ पर, फोर्स सेम है, फोर्स है 5 न्यूटन, मास हमें निकालना है, मास है m2, और एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन यहाँ दी हुई है 20। तो मास कितना हो गया यहाँ पर, 5/20, 5 1 जा 5 4 जा, ये हो गया 1/4, और 1/4 होता है 0.25 kg। ठीक है, इस तरह हमने मास 1 निकाल लिया और मास 2 निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइट टुगेदर। तो ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर दोनों मासेस हमने एक साथ रख दिए, यानी m1 और m2 एक साथ इनको टाई कर दिया है, तो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइट टुगेदर। यानी ये अब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, फोर्स तो सेम लग रही है, फोर्स तो सेम लग रही है जो पहले लग रही थी, तो अब कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, टोटल मास लिख लेते हैं पहले। तो अब बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा न्यूटन सेकेंड लॉ का। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, फोर्स तो सेम रहेगी बट मास क्या आ जाएगा, दोनों का मास आ जाएगा, यानी m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स तो सेम रहेगी, फोर्स कितनी है क्वेश्चन में, 5 न्यूटन, तो फोर्स सेम रहेगी 5 न्यूटन, यहां लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू मास 1 कितना है, 0.5, ये है 0.50, और दूसरा वाला 0.25, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। तो यहां पुट कर लेते हैं, टोटल मास हो गया, देखो कैसे किया हमने, फर्स्ट मास कितना आया 0.50, और दूसरा कितना आया 0.25, सम कर दिया दोनों का 0.75, तो यहां आ जाएगा 0.75 इंटू एक्सेलेशन। तो हमें ये एक्सेलेशन निकालनी है, सो एक्सेलेशन कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 0.75, डेसिमल हटाते हैं, 2 जीरो ऊपर जाएंगे, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 500 जा, और यहाँ 5 से कट करो, 5 1 जा 5, और 5 5 जा, फिर 5 2 जा 0, और यहाँ हो जाएगा 5 3 जा। तो आपके पास जो है 20/3 आ गया, 20/3, सो 20 को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 3 6 जा 18, अगेन, और ये आ जाएगा 6.66, तो 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है एक्सेलरेशन का। सो इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो और वीडियोस, इसको वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ इनको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।